नमस्कार, स्वागत है आप सबका म्हारी माटी म्हारे लोग में। आज हमारे साथ हैं एक कहानी संग्रह 72,000 की बोहड़िया लिखने वाले नवरतन जी। तो आइए प्रोग्राम शुरू करने से पहले जान लेते हैं नवरतन जी के बारे में। लेखक और रंगमंच कलाकार के रूप में जाने जाने वाले नवरतन जी का जन्म 14 अगस्त 1969 को भिवानी जिले के रावलधी गांव में हुआ। इन्होंने एमए एमफिल हिंदी, एमए पत्रकारिता एवं जनसंचार की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय नाटक विद्यालय से थिएटर कोर्स भी किया। वर्तमान में ये सेकेंडरी शिक्षा विभाग में हिंदी के प्रवक्ता के रूप में कार्यरत हैं और साथ ही पिछले 2 दशकों से स्कूली बच्चों के साथ थिएटर कार्य करते आ रहे हैं। थिएटर के साथ ये लेखन कार्य भी करते रहते हैं। इनकी लिखी गजल, कविताएं और कहानियां कई समाचार पत्रों, पत्रिकाओं में छप चुकी हैं और इसके अलावा दूरदर्शन और आकाशवाणी से प्रसारित भी की गई हैं। तुम कहाँ रह गए चांद, गीत गजल संग्रह के साथ साथ चिंदी चिंदी अक्स कहानी संग्रह और हाल ही में प्रकाशित 72,000 की बोड़िया कहानी संग्रह पाठकों के समक्ष आ चुके हैं। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार। आप अध्यापक हैं? जी। और आप लेखन से भी जुड़े हैं? जी। तो आपके अंदर एक लेखक है, ये एहसास पहली बार कब हुआ था? असल में मेरा जो विषय है वो हिंदी भाषा में बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो पढ़ाते पढ़ाते जो है वो सबसे पहले जो है थिएटर से शुरू हुआ मामला, कि छोटे छोटे बच्चों को जो है वो मैंने एक ग्रुप बनाया और उनके साथ जो है वो हम स्कूली जो शिक्षा में जो समस्याएं हैं और बाहर की जो समाज में जो समस्याएं हैं उनको लेकर के जो है वो हमने छोटे छोटे नाटक किए और उन नाटक में से जो है वो कुछ बच्चे इस तरह के निकले और कुछ जो है वो इस तरह की जो है स्क्रिप्ट निकली कि फिर उसके बाद जो है लेखन कार्य आगे बढ़ा। ओके, मतलब आपने जब आप अध्यापन में आ गए और तब आपने बच्चों के लिए जो लिखना शुरू किया या आसपास की बातें समस्याओं को समझते हुए जो उसको बच्चों को जो रचनात्मक ढंग से जोड़ा, वहाँ से आपके एक नए व्यक्तित्व की शुरुआत हुई है। जी जी। एक लेखक के नाते जी, तो आपने एक कहानी संग्रह रिलीज किया है 72,000 की बोहड़िया। जी। तो ये 72,000 की बोहड़िया, पहले तो ये टाइटल कैसे आया? 72,000 की बोहड़िया जो है वो इसके पीछे जो है वो दो बड़े कारण हैं। नंबर एक के समाचार पत्रों में जो है वो आप देख सकते हैं कि हर रोज ही जो है वो ऐसी कुछ समस्याएं मूलक खबरें छपती हैं, यानी कि हालत ये हो गई है कि जो हमारे प्रदेश में जो सेक्स रेशियो जो कम हुआ, यानी कि करीब करीब एक वक्त तो ऐसा था कि 2014 में जब जो है वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो है ना ये शुरुआत की हमारे पानीपत से जो है वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, तो उसके पीछे एक बड़ा कारण ये था कि हम जो है वो पूरे देश में बड़ा समृद्ध जो है वो प्रदेश से ताल्लुक़ रखते हैं और हमारे प्रदेश में जो है वो समस्या ये है कि 1,000 जो है ना लड़कों के ऊपर जो है वो करीब करीब जो है ना 800 समथिंग जो है ना लड़कियाँ रह गई और उसका सबसे भयानक जो है ना सबसे भयंकर जो है वो परिणाम ये रहा कि अब दूसरे जो है ना वो राज्यों से जो है वो लड़कियाँ बाकायदा खरीद करके जो है लाई जा रही हैं और उससे हमारा सांस्कृतिक ताना बाना जो है वो टूट रहा है। अब जैसे आसाम से या दूसरे बिहार से या यूपी से या दूसरे राज्यों से जो महिलाएं लेकर के आई जा रही हैं वो हमारी संस्कृति को नहीं जानती, हमारे बटेऊ चटेऊ को या हमारे तीज त्योहारों को, इस तरह की चीज़ों को वो नहीं जानती हैं बिल्कुल भी, हमारे खान पान को नहीं जानती हैं वो, तो एक इसमें जो है वो एक सांस्कृतिक ह्रास जैसी स्थिति पैदा हुई है। तो मैंने इसलिए जो है इस कहानी का जो संग्रह है उसका टाइटल नाम भी 72,000 की बोड़िया रखा। नहीं, टाइटल बहुत इंटरेस्टिंग है आपका और आपकी किताब हिंदी में है लेकिन आपने टाइटल हरियाणवी में रखा है। जी जी, उसके पीछे भी यही कारण है कि मैंने बाकायदा, क्योंकि मेरी कुछ कहानियां जो हैं वो हिंदी के जो अच्छे जो रेपुटेड जो जर्नल माने जाते हैं, चाहे वो हंस है, चाहे वो कथा देश है, चाहे वो हरियाणा साहित्य अकादमी की अपनी पत्रिका है, उसमें मेरी हिंदी कहानियाँ खूब छपी। प्रकाशक से भी जो है वो जब पहली दफ़ा बात हुई तो ये इस बात पे बाकायदा हमारी बहस भी हुई कि मैंने कहा कि आप जो है मेरी कोई प्रसिद्ध जो कहानी है जिसके मुझे बहुत रिव्यूज़ मिले हैं और जो आप उस पर नाम रख सकते हैं, कि उसने कहा कि ये एक अलग सी बात है क्योंकि हम प्रदेश की जो समस्या है उसको केंद्रित करते हुए जो है ना इसका टाइटल का नाम रखेंगे और उसमें उसने जो है वो प्रमुख कहानी भी जो है वो इस संग्रह में 72,000 की बोड़िया ही है। तो ये जो कहानी आपने लिखी 72,000 की बोड़िया, इंस्पिरेशन कहाँ से आई थी इसकी? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है
मलिक साहब ये जो है वो, क्योंकि आज भी जो है वो हमारे जो परिवार हैं तो उसमें जो है ना वो जो बूढ़े ठहरे जो आदमी जो लोग हैं तो उनके पास बैठने वाला चाहिए, उनके पास बड़ा अकूत खजाना है। आपको सुनकर के ताजुब होगा कि ये कहानी जो है वो एक दिन बातों बातों में जो है मेरी माँ ने जो है ना मुझे सुनाई। अच्छा। हाँ, वो जो है वो अभी इस दुनिया में नहीं है, वो पिछले ही साल जो है दिसंबर में चली गई वो। लेकिन कमाल की वो बात है, और उन्होंने तो ये कहानी जो है वो बमुश्किल 5 मिनट में सुना दी, लेकिन ये पूरी रात जो है ना मुझे ये कहानी जो है वो उद्वेलित करती रही। जब तक ये जो है मैंने लिख नहीं ली ये कहानी, तब तक जो है वो चैन नहीं पड़ा। तो ये माँ के द्वारा जो है वो सुनाई गई एक एक जो है कहानी है, उसको मैंने जो है ना वो पेपर पे। हाँ, देखिए, माँ ने जो आपको जन्म दिया या आपको पाला या इस लायक बनाया या दृष्टि दी, वो तो दी दी है। जाते जाते मतलब जाने से कुछ समय पहले आपको एक इंटरेस्टिंग कहानी भी दी। बहुत कमाल की, बहुत बड़ी बात है ये। जी जी, बहुत बड़ी बात है। तो अभी जैसे आपने किताब रिलीज की, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? इसके पीछे जो है वो एक मुझे जो खुशी है और आप सब लोगों के लिए, क्योंकि हरियाणा के एक छोटे से गाँव में मैं पैदा हुआ और छोटे से एक बैकवर्ड से गांव में पैदा होकर के, और आज जो है ना मुझे ये बात कहते हुए बड़ा बड़ा अच्छा लग रहा है कि amazon.com पर जो है वो मेरी कहानी संग्रह का पहला लोट खत्म हो गया। यानी कि 5 दिन तक जो है वो फेसबुक पर और सोशल मीडिया पर मैसेजेज आते रहे मेरे कुछ पूर्व विद्यार्थियों के जी किताब जो है वो वेटिंग में है अभी किताब। तो प्रकाशक से जब बात हुई तो उसने कहा कि दूसरा लोट हम भेज रहे हैं। ओके, तो ये एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। ये बहुत अच्छे सिम्टम हैं और ये अच्छे लक्षण आ रहे हैं कि लोग amazon.com पे अपनी लेखनी को भेज रहे हैं या वहाँ से वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, बेच रहे हैं, और वहाँ पर पहला एडिशन खत्म हो गया है। ये अच्छे लक्षण है कि लोग लेखन को पढ़ने में इंटरेस्ट ले रहे हैं। जी, किताब का जो है वो टाइटल जो है वो इतना अट्रैक्टिव है। आई थिंक इसमें सबसे बड़ा रोल है ये टाइटल का। बिल्कुल बिल्कुल, जानना चाहते हैं कि ये 72,000 की बोड़िया क्या है। तो इसी कहानी में, जैसे इस संग्रह में, और दूसरी कहानी कौन सी है जिसका आप जिक्र करना चाहेंगे? दूसरी कहानी जो है वो एक अपने अपने डर कहानी है, और वो कहानी का मैं विशेष रूप से जो है वो इसलिए जिक्र करना चाहता हूँ क्योंकि बहुत पहले जो है वो मेरा दोस्त जो है एक मेरे साथ पढ़ा हुआ, वो बाई चांस जो है वो पूना यार मित्रों के साथ जो है ना वो घूमने के लिए गए वो, और वहाँ से जो है वो एक HIV पॉजिटिव नाम की एक बीमारी को अपने साथ ले आए। तो उन सारे की सारी चीज़ों को जो है वो देखते हुए मैंने एक कहानी लिखी अपने अपने डर, और वो अपने अपने डर कहानी जब मेरी कथा देश में छपी, छपने के करीब करीब 10 या 12 दिन के बाद जो है वो 11:15 बजे रात को केरला से एक महिला का फोन आया, और वो महिला जो है वो इतनी उद्वेलित थी और उसने स्पष्ट रूप से ये कहा कि आपको बुरा लग सकता है इस वक्त फोन करना, लेकिन मैं सुबह तक जो है वो मेरी ये भावनाएं तिरोहित हो जाती क्योंकि आपने जो है वो मेरी इतनी बड़ी समस्या को सॉल्व कर दिया। कि मेरे जो है वो उस महिला ने बताया कि उसके सगे भाभी और सगे भाई जो हैं दोनों वो HIV/AIDS के पॉजिटिव थे, और उनको जो है वो कहानी पढ़ करके एक सपोर्ट मिली। और मलिक साहब जो है वो उस वक्त मुझे ये एहसास भी हुआ कि लेखन जो है वो आपका कितनी दूर तक जाता है और वो कितनी जिम्मेदारी पूर्ण काम है। जी जी, कला के जो भी काम हैं, चाहे वो चित्र हैं चाहे फिल्में हैं, वो बहुत दूर तक जाते हैं, बहुत दूर तक असर डालते हैं और लोगों को भावनात्मक रूप से इंस्पायर भी करते हैं, जोड़ते हैं। और वो आप खासकर जो लेखक हैं या जो बनाने वाले हैं उनसे लोग जुड़ते हैं। और यहाँ मैं ये बात इसलिए भी शेयर करना चाहता हूँ कि जिनके घरों में लोग ऐसे कलाकार हैं, ऐसे लेखक हैं, उनको ऐसे टाइम बाई टाइम किसी फैन के फोन आ सकते हैं, उन फोनों पे शक ना किया जाए। जी जी, अक्सर कलाकारों के घरों में इन फोनों के कारण से डिस्टर्ब होना पड़ता है, कई होगी तो फैमिली लाइफ भी डिस्टर्ब होती है। लेकिन 11:15 बजे जो है वो अगर कोई महिला अगर उधर से बोल रही है और बीवी को पता चलता है तो उसकी मिस इंटरप्रिटेशन हो सकती है। मैंने इसलिए दर्शकों के जहन में बात डाली है कि ये कलाकारों की जिंदगी में एक सामान्य घटना है ऐसा होना, क्योंकि जो उन्होंने लिखा है वो पता नहीं किसको किस वक्त इमोशनल या उनको एक इंस्पायर कर जाए, तो उन वो उस भावावेश में फोन कर सकते हैं थोड़ा सा लेट आवर्स में। जी, जी। तो नवरतन जी, आपने ये किताब लिखी है 72,000 की बौड़िया, तो कहानी लेखक के साथ साथ आप कवि भी हैं। जी, आप कविताएं भी करते हैं, तो हम चाहेंगे कोई आप कविता हमसे शेयर करें। क्योंकि आपका चैनल जो है वो मुझे बहुत ही सपोर्ट करता है, क्योंकि ये हरियाणवी का जो देसी एक जो एक खुशबू है उसको बिखेरने में जो है वो बहुत ही कमाल का काम कर रहा है। तो उसमें मेरी कुछ जो है वो कुछ कविताएं हरियाणवी कविताएं ही मैं शेयर करना चाहूँगा। जी, एक 98 के यानी 1998 की बात है, और मेरे ही गांव का
हमारा दोस्त जो है वो बॉर्डर पर जो है वो शहीद हुआ करगिल में, तो जब तक ये कविता मैंने नहीं लिख ली उसको जो है वो ये कविता जो है वो उसको एक सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि किस तरह से जो है परिवार और उसके उसके बीच से जो है फौजी निकलता है और वो कैसे फिर जो है गाँव का माहौल कैसे होता है, तो उसको एक कविता के माध्यम से मैंने कविता का नाम रखा है निस्ताई। कि उस रात गांव के मोर बूंदे बोलन थे, कदे कोतरी कदे उल्लू कारजा ने छोलन थे, दासुदन किए लिया गे का शेरा सोवे था, और दूर चौक में पड़ा एक कुत्ता भी रोवे था। कि मोरा की करलाट और कोतरी की चरलाट सुनकर का शेरा खड़ा हो लिया, और मन मन में सारे टावरा की खैर खुशी का हिसाब अंगड़ियां पिला लिया। खांस के खंगार के पानी पिया, लंबी सी सांस खींच के राम का नाम लिया, बोलिया हे बाबा देखिए कौन सी कूणमा ते के खबर आवगी, और उन्हीं से देखिए के गुल खिलावगी। ऐ के तड़के तड़के मुँह अंधेरे गांव में सुनावनी आगी, के उन्हीं खबर बनके सारे गांव पे छागी, के आगे आगे पुलिस की गाड़ी पाछे पाछे फौजी ट्रक, और ट्रका के पई ये गार में हो रे गर्क, के यार गांव की भीड़ ने फिरनी आंट के बगा दी, और फौजियां के बुट्टा ने गाड़ काट के बगा दी, के हो गया का रुका है तो पड़ गया, और फिर किसी ने बताया कि काशेरा का छोरा राजा बॉर्डर पर शहीद हो गया। कि माँ ने सुनी तो बीत होगी, बाण ने सुनी तो बाठा, शेरा फिर भी रोया नहीं कालजा कर लिया ठाडा, सारे गांव ने सांप सूंघ गया सुने वो ये रोवे था, और काशेरा दूर कुंड में खड़ा न्यूमणिये से पोवे था। कि मोहित ने बेरा पाटेगा तो मैं के समझाऊंगा, मोहित उसका पोता है छोटा सा, कि मोहित ने बेरा पाटेगा तो मैं के समझाऊंगा, मेरी यानी सी बोड़िया मैं क्या मैं लकोऊंगा। फिर चार फौजिया ने काठ का बक्सा चौक में धरया था, के ऊपर था तिरंगा झंडा खून में भरया था, एक फौजी ने हिम्मत करके बक्सा खोल दिया, और आखिरी दर्शना का सुनसा कर दिया। कि छह फुट का ठाडा जवान नावड़े नहीं था, और चेहरे पर कोई भयबंत्र आवड़े नहीं था, फिर चूड़ी तोड़े नित्ता आई गस खा के पड़गी, और मारी काकी ने हिम्मत करी आग गए तो अड़गी, बोली ये क्यों करे से न्यू, मेरे तो निस्ता ही से। ये पंक्ति जो है वो विशेष रूप से हरियाणा की महिलाएं जो है वो विपरीत परिस्थितियों में भी किस तरह से अपना खोती नहीं है, वो अपने को सिद्ध करती हैं, हमारी काकी ने भी सिद्ध किया। कि बोलिए क्यों करे से न्यू, मेरे तो निस्ता ही से, मेरा दूध नहीं ले जाया न्यू समाई से, और बेटा नहीं मेरा शेर था तू क्यों घबराई से, और देख गोली उसने एक एक छाती पर खाई से, और गोली उसने एक एक छाती पर खाई से। बहुत अच्छे से लिखा आपने, पूरा जो परिवेश लिखा है, जो पूरा माहौल लिखा है, उस वक्त का जिस ढंग से आपने उसकी शुरुआत की है, जिन शब्दों का आपने हरियाणवी शब्दों का प्रयोग किया है, बहुत अच्छी कविता बनी है। और हम चाहेंगे कि ये कविता आप एनडी हरियाणा पे हमारे कविता टाइम के लिए भी रिकॉर्ड करें। जी 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 बिल्कुल, क्योंकि हम इस तरीके की लेखनी को प्रमोट कर रहे हैं, हम बार बार ऐसी चीज़ों को दिखाना चाहते हैं ताकि जो एक अच्छा लेखन है उसका भाव बहुत अच्छा है, और खासकर जब लास्ट में जिन शब्दों में आपने इनको कंक्लूड किया है कि घोड़ी उसने छाती पे खाई है, माँ के लिए उस गम की घड़ी में भी प्राउड की बात है जी, तो ये बहुत अच्छे भाव को आपने पकड़ा है, और इसको हम चैनल पर जरूर दिखाएंगे। तो कविता लेखन के साथ साथ आप गीत गजल में भी लेख, जैसा कि मैंने भूमिका में किताब की भूमिका में लिखा है कि मैं बहुत ज्यादा लिखाड़ किस्म का आदमी नहीं हूँ, मेरा ऐसा मानना है कि आपके लिए बहुत ज्यादा कहने सुनने को नहीं होता है। कुछ लोग मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि आपकी उम्र जो है वो 35 साल की है, 40 साल की है, और आपकी किताबें जो है कहते हैं कि मेरी 35 किताबें आ गई, 40 किताबें आ गई, और कुछ लोग तय करके चलते हैं कि इस साल जो है वो मैं 4 किताबें लिखूंगा। ऐसा कुछ नहीं है, मैं नहीं लिखता तो 2-2, 3-3 महीने 4-4 महीने नहीं लिखता, बमुश्किल 1 साल में 2 कहानियां लिख पाता हूँ, और अलग अलग भावदशाओं में रहता हूँ मैं। जैसे 2 साल तक मैं जो है वो एक ऐसी सी भावदशा में रहा कि आश्रमों में घूमता था, और प्रेम को मैंने जो है वो बड़े नजदीकी से जो है पढ़ा, देखा, भोगा, तो उसके ऊपर जो है ना वो गीत गजल आया मेरा। तुम कहाँ रह गए चांद, तो उसका अच्छा सा जो है वो रिस्पॉन्स मिला, बढ़िया सी किताब रही वो। अभी अभी जो नवरत्न जी ने बात कही है कि वो मूड के हिसाब से काम करते हैं, कभी लिखते हैं तो कभी नहीं भी लिखते हैं, या कभी उनका डाइवर्जन हो जाता है कि कुछ समय के लिए वो एक अलग दुनिया में चले जाते हैं। अक्सर जो लोग रचनात्मक होते हैं, कलाकार होते हैं, वो इस तरीके के फेजी से जरूर गुजरते हैं। तो आपके घर में भी कोई कलाकार हो तो उसने बावड़ा ना समझियो, ये इनके DNA में होता है, क्योंकि ये मूड के हिसाब से होते हैं। भगवान इनको स्पेशल DNA देता है, इनकी स्पेशल सोच देता है, वो लगन होती है, वो कभी आती है, वो रोज़ नहीं होती, वो रोज़ के रोज़ बैठ के मैंडेटरी करके नहीं लिख सकते,
यार इसी को फाइन आर्ट बोलते हैं। फाइन आर्टिस्ट है, कमर्शियल आर्ट फाइन आर्ट का यही फर्क होता है। कमर्शियल आर्ट मैंडेटरी होती है, वो समय पे करनी पड़ती है, लेकिन जो फाइन आर्टिस्ट होते हैं वो ऐसे मूड के हिसाब से ही काम करते हैं। तो आपके घर में भी ऐसा कोई कलाकार हो तो ध्यान रखिए। लेकिन उन कलाकारों के लिए भी एक संदेश है कि आपने भी जैसे अपना एक रोजगार शिक्षा से जोड़ा हुआ है, या जो टीचर हैं, तो जो 30 दिन का पैसा आता है वो इनकी टीचिंग से आता है। तो आप में भी अगर ऐसी कोई कला है तो सिर्फ इस पे डिपेंड मत रहिए भाई, कदर तुम काम करोगे, कदर तुम ना करोगे, कई कई महीने ना करोगे तो घराने पे बोझ बनकर रहेगा। इसलिए कोई ऐसा रोजगार जरूर टोलिए जो भाई टोर है। जी जी जी, है ना। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल महावीर गुड्डू भी है। हाँ हाँ बिल्कुल, है ना। गुड्डू साहब भी बहुत सारी कलाकारी करते रहते हैं, लेकिन वो एक साथ में वो टीचर भी है, ताकि वो अपनी आजीविका वहाँ से मेन वहाँ से कमाते, बाकी उनके मूड की बात है। तो तभी आदमी सर्वाइव कर पाता, नहीं तो अक्सर इसीलिए कलाकारों के बारे में कहा जाता है कि वो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हो पाते, क्योंकि वो मूड के हिसाब से काम करते हैं। तो ये आपका बहुत अच्छा है कि आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं और आप हिंदी ही पढ़ाते हैं। जी जी, हिंदी पढ़ाते हैं। तो आपकी अब ये रुचि है, मुझे लगता है कि आप अपनी इस रुचि से अपने स्टूडेंट्स को और अच्छा साहित्य का ज्ञान दे पाते होंगे। जी, मतलब मेरा ये एक तो मानना ये है कि आज एक और बात है कि खासकर जो है वो 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चों के लिए, कि वो कहते हैं कि करियर की जब बात आती है तो वो कहते हैं कि जो है ना वो बोले जी हिंदी पढ़ करके जो है वो क्या करेंगे, आर्ट्स में तो करियर नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि करियर है, लेकिन आज समस्या ये आ गई है कि ना उनको हरियाणवी आती है, ना उनको अंग्रेजी आती है, अंग्रेजी तो हमने कभी आई ही नहीं, ना उनको अंग्रेजी आती है, ना उनको हिंदी आती है। तो अगर वो ठीक से हरियाणवी भी सीख लें, हरियाणवी में भी कुछ ऐसे शब्द हैं जो बिल्कुल समाप्ति के कगार पे हैं, उन पे काम किया जाना चाहिए बाकायदा, तो हरियाणवी में भी लिखा जा सकता है। हरियाणवी में बहुत, मतलब मुझे ताजुब होता है कि गलत हरियाणवी सिखा करके और एक जो है वो कोई 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 सलमान खान जो है सुल्तान के माध्यम से, या जो है वो हर चीज में अणे अणे सुल्तान बोल रहा था, अणे कराता हूँ, उनको ऐसा लगता है कि हर जगह जो अणे बोला जाता तो हरियाणवी होता है, जबकि हर जगह अणे नहीं होता, वह नए भी होता, अणे भी होता है। या कोई दंगल में जो है वो बहुत परफेक्ट जो है हरियाणवी उच्चारण नहीं है, और वो जाकर के पूरे पूरे चीन और पूरे पूरे वर्ल्ड में जो है ना वो डंका बजाए। और आज तो कमाल की बात ये है कि हरियाणवी का जो एक्सेंट है उसके जानकार बड़ी डिमांड है। तो अगर अच्छा ही कोई भी हो, किसी बोली में हो, किसी भाषा में हो, मुझे नहीं लगता, खासकर बच्चों को इस बात ध्यान देना चाहिए कि आप हिंदी पढ़ते हैं तो हिंदी से भी कैरियर बन सकता है। कैरियर तो ज्ञान से बनेगा, सिर्फ भाषा से नहीं बनता। भाषा एक टूल हो सकती है, एक माध्यम हो सकती है, लेकिन सिर्फ भाषा के कारण से आपको जी बहुत अच्छी आती है, फिर तो मेरे ख्याल में अमेरिका में या इंग्लैंड में तो बेरोजगारी होनी नहीं चाहिए, क्योंकि अंग्रेजी तो सबको आती है, तो बेरोजगारी तो वहाँ भी है। वो ठीक है कि वहाँ सरकारों ने प्रावधान किए हुए हैं कि बेरोजगार को थोड़ा सा भत्ता बेटर मिल जाता है, पर बेरोजगारी वहाँ भी है। तो सिर्फ लैंग्वेज का जानकार होना कोई रोजगार की गारंटी नहीं है, की निशानी नहीं है, ज्ञान की बात है। ज्ञान अगर हरियाणवी में है तो भी रोजगार हो सकता है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। और आज तो हरियाणवी के प्रति लेखन में बड़ा रुझान हो रहा लोगों का। जी जी बिल्कुल, खूब मतलब जो है वो हरियाणवी में लिखा जा रहा है और बहुत अच्छा लिखा जा रहा है। और खासकर सिनेमा में तो जो है वो एक करेक्टर को जो है वो बकायदा जो है वो हरियाणवी एक्सेंट का डाला जा रहा है, ये हमारे लिए बहुत कॉमन हो रहा है। हरियाणवी थीम पे फिल्में बन रही हैं, हरियाणवी पृष्ठभूमि पे फिल्में बन रही हैं, हरियाणवी किरदार उनमें आ रहे हैं, हरियाणवी गीत उनमें आ रहे हैं। तो पिछले कुछ सालों से हम जिस मुहिम में लगे हुए हैं, चाहे हमने एल्बम्स के द्वारा किया, चाहे हमने एवन तहलका के द्वारा किया, या अब एनडी हरियाणा से कर रहे हैं, तो वो कोशिशें हम शेप लेते देख रहे हैं। बड़ी प्राउड की बात हो रही है कि आज लिखा भी जा रहा है, आज गाया भी जा रहा है, बहुत से अच्छे गाने भी बना रहे हैं लोग, बहुत अच्छी पोइट्री भी लिख रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं देखता हूँ व्हाट्सएप पे लोग शेयर करते हैं कुछ, पर बड़ा अच्छा कॉन्टेंट आता है। तो आप ऐसी कोई गजल, आपने एक हरियाणवी में कोई गजल भी शायद आप लिख रहे हैं। हाँ, गजल है, और आपके जो है चैनल के माध्यम से जो है काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो शेयर की जा सकती हैं, क्योंकि हरियाणवी को लेकर के बहुत बड़ा काम जो है वो किया जा रहा है, और वास्तव में लोगों तक जो है एक बहुत ही अच्छा मैसेज पहुंच रहा है। जी। तो एक जो है वो संस्कृति की कुछ चीज़ें जो हैं वो कैसे खत्म हो रही हैं धीरे धीरे, उसको लेकर के मैंने एक कहानी ये जरूर सुनाइए, क्योंकि हम हमारा चैनल ही संस्कृति का चैनल है। जी, तो जी, कहते जी, अपना कल्चर अपना चैनल, तो इस थीम पे आप जरूर सुनाइए। हाँ हाँ, तो वो कविता है कि एक बूंदा सा शहर। अच्छा। कि गोबर की सांझी मीठे मीठे गीत, मारी पौड़ी की कच्ची भीत, ताई का हाथ का लाल लाल शीत, गुग्गा की धोकर भैया की रीत, के फागण का खेल आज फिर याद आ गया, एक बूंदा सा शहर मेरे गांव ने खा गया। के मीठा मीठा जाड्डा नाक का बहना, दादी की सोपली शनक का पूंजना, रेत में लौट के जोड़ में कूदना, आधी छुट्टी में स्कूल ते गूंचना, और गोरुआ का जलता रेत फिर याद आ गया, एक बूंदा सा शहर मेरे गांव ने खा गया। यानी कि आज के जो बच्चे हैं वो इतने हादसा रह गए हो गए, जिस तरह
मलिक साहब आपको ताज्जुब होगा कि जब हम चौथी पांचवीं पढ़ा करते तो मारे तो चप्पल जो है वो जाड्या में आया करती, गर्मिया में हम जो है ना वैसे जाया करते, जब पांच अड़ा करते तो बाजी की गोबरों पा दे दिया करते। बिल्कुल, तो उन चीजों को जो है वो बच्चों को जानना चाहिए। आज बच्चे जो है वो 3,000 रुपया के रिबोक के जूते जो है वो न्यू लिया, बीड़ी का बंडल लिया है। तो इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए कि हारा में खिचड़ी, खिचड़ी में डोई, गुड़ की डड़ी, गुदड़िया में लकोई, कि दही का जाकरा झेरनी ते बिलोई, दादा की पीढ़ी मूछ रो कई खुशबोई। ये बड़ी कमाल की एक एक मैंने सिमिली ली है। हाँ, यानी कि हमारा दादा जिस तरह जो हमारे नाने दादे जो है छुट्टियां जब जाया करते तो मुंह का मुंह लाया करते हुए मुंह का मुंह लाया करते तो उनकी पीढ़ी मूछे में तो कई खुशबोई आया करती, और बड़ा बढ़िया लगा करता जिस तरह। आज ना तो दादे रहे और ना वो टाबर रहे, क्या आ रहा है मैं खिचड़ी, खिचड़ी में डोई, गुड़ की डड़ी गुदड़िया में लकोई, के दही का जाकरा झेरनी थे बिलोई, और दादा की पीली मूछ रो कई खसबोई, और खाट तला लुकना फिर याद आ गया, एक बूंदा सा शहर मेरे गांव ने खा गया। वाह वाह वाह। के लालटन चिमनी का आंधा आंधा चांदना, जिज जाके बतेरी का माचना, बुआ समझो का लंबा लाडना, और नकली मूछ लाके खोड़िए में नाचना, और उबाए पाए बाजना, फिर याद आ गया, एक बूंदा सा शहर मेरे गांव ने खा गया। एक बिना जाडा डर के ओढ़ना, पहले रामलीला देखने जाया करते गांव में जो है ना, भजन भोजन आया करते, तो क्या था कि लेट आया करते, मुहारी आया करते, सारे सो जाते, तो जाडा नहीं होता लेकिन ओढ़ लिया करते डरते, कि बिना जाडा डर के ओढ़ना, सरीत मार के पेशाब का रोकना, का बदलू का खाल में पानी का मोड़ना, और सपेलन देख के कुत्तियां भोंकना, और बोलना दादा का दौड़ी झूठ, फिर याद आ गया, एक बूंदा सा शहर मेरे गांव ने खा गया। एक बूंदा सा शहर मेरे गांव ने खा गया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा भाव लिखा। तो इसी कविता का जो है वो एक और जो है वो इसका जो पीक जो है उसको कह सकते हैं हम, कि चीजें बिल्कुल खत्म होती जा रही है और उनको सहेजने की जरूरत है, और आप लोग ये बखूबी कर सकते हो। कि गेहूं चना की बाकड़ी, बाजरे की चाब, तिज्जा की कोथड़ी, सिंधारे की आब, काका के रैप टेर, ताऊ की दाब, काका जो है वो खाम खा रहे पट्टी मार दिया करता, करते न्यू नींबू जिया करते, अब भाई क्यों मारा भाई, क्यों हिम्मत नहीं आया करता, कि काका के रैप टेर, ताऊ की दाब, और बड़दाड़े कोल्लू पर ताती ताती राब, और रेडी आला साहब, फिर याद आ गया, एक बूंदा सा शहर मेरे गांव ने खा गया, एक बूंदा सा शहर मेरे गांव ने खा गया। और फिर उसके बाद जो है वो एक इस कविता के माध्यम से जो सबसे बड़ा जो एक संदेश देना चाहता हूँ, कि तोड़ी की शंडोरी, जाड़ की पील, बच्चों को, आज के बच्चों को पता होना चाहिए पील जो है वो हरियाणा में 3 या 4 जगह पर, एक तो महेंद्रगढ़ में, यहाँ एक मातनहल में, सिर्फ मातनहल के आसपास की बची पाऊंगी, है ना, बहु ज्वेलरी के आसपास भी है। एक जगह हमने शूटिंग की थी स्पेशल, हमने जाड़ का वो एरिया ढूंढा, हमने गाना बनाया था क्रिकेट का, देखा क्रिकेट का देसी ढंग, तो मुझे वो एक रस्टिक एरिया चाहिए था, तो वो कहीं आसपास मिला नहीं रोहतक के, तो मैं स्पेशल गया और वो किसी ने रिकमेंड की थी जगह, तो वो बहु ज्वेलरी के पास जाके मुझे वो जगह मिली थी जिसके बीच में हमने गाना बनाया था उसके बीच में। और कमाल की बात यह कि आज के बच्चों को, मैं एक बार फिर क्या हुआ कि वहाँ महेंद्रगढ़ के पास एक वो बड़ी रह रही थे, उसमें तो जो ने बड़ी मेहनत जो है वो रिश्तेदार लेकर के वो आधे से 3 पतुड़वा की भी ले आया। अच्छा। फिर मैंने बच्चों को बताया मैं भाई इन्हें खाओ, उनको खाना नहीं आता क्योंकि पील जो है वो अगर एक दो दो तीन खाई अंगूर की डाल खाई तो जीभ को काट देगी। ओहो, अच्छा। वो फांके मार मार खाई जाए। अच्छा। तो वो चीज खत्म हो रही है, लेकिन वो अब वो कैसे बचेगी और कैसे बच्चे उसको देख पाए, इसको मैंने एक संदेश के रूप में, कि तुड़ी की संडोरी, जाड़ की पील, पाटड़ गोज में दिवाली की खील, भाभिया का दूसरे भाणा की तील, और पाट की पतंग फिर कट की रील, और उस पिपड़ वाली चील ने भी के ले गया, एक बूंदा सा शहर मेरे गांव ने खा गया, एक बूंदा सा शहर मेरे गांव ने खा गया। बहुत अच्छा है ये मर्म, वैसे हर जगह है कि हम एक बेहतर लाइफ के चक्कर में हम गांव से मूव करके आते हैं शहरों में, है ना, फिर हम रिग्रेट करते हैं कि क्या क्या छोड़ दिया। ऐसे ही लोग यहाँ को जमीन को छोड़ के विदेश में जाते हैं, फिर वो भी गाते हैं चिट्ठी आई है, हाँ, आई है, आई है, उनके भी वहाँ यही भड़क है कि क्या क्या रहेगी, जो हमें यहाँ भड़क है कि हम शहर में तो आ गए, है ना, लेकिन हम क्या क्या छोड़ गए। तो इसी छूटे हुए को हम संजोने पर लगे हैं एनडी हरियाणा की तरफ से, हम अलग अलग कार्यक्रमों के द्वारा अलग अलग चीजों से, जो आपने कहा कि ये पील कैसी होती है, हम इसको दिखाएंगे, कम से कम दिखा तो जरूर देंगे लोगों को, पील क्या होती है, कैसी होती है, और ये कहाँ लगती है, और उस पेड़ का नाम ऐसा क्यों है, उसकी आकृति कैसी, क्योंकि ये चीजें भी गुम हो गई हैं, जहाँ पानी बहुत अच्छा हो गया वहाँ जाड़ का पेड़ रहा भी नहीं है अभी, है ना, ये कहीं सूखे एरिया पे ज्यादा था, तो धीरे धीरे जहाँ जहाँ सिंचाई के साधन अच्छे हो गए वहाँ धीरे धीरे ये पेड़ भी कम हो गए, बनिया भी कम हो गई। ये कहूँ मैं कि आपके मन में ऐसा कौन सा विजन है जो अभी होना अधूरा है एक लेखक होने के नाते? अभी जो है वो हरियाणवी
में ही जो है वो कुछ कहानियां लिखने का मन है, क्योंकि अलग 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 समस्याएं हैं, जो चीजें हमारी जो जा रही हैं उनको हम किसी तरीके से जो है ना सहेजना चाहते हैं। दूसरी बात है कि जो मेरे मन में है वो ये है कि हरियाणा पीर फकीरों की धरती रही है, और उसमें जो है वो आज भी अनेक ऐसे डेरे और ऐसे जो है वो स्पॉट और ऐसे जो है क्षेत्र मौजूद हैं जहाँ हमारे जो है वो पीर फकीरों की ऊर्जा जो है मौजूद है। उस अध्यात्म को, उस ठेठ मिट्टी से जुड़े हुए अध्यात्म को जो है ना वो कैसे कन्वे किया जाए, वो हमारा काम है, वो हमारा जो है वो मेरा ऐसा मानना है कि वो किया जाना चाहिए। हम उसके लिए तैयार हैं, कर सकते हो, हम उसके लिए तैयार हैं, और हमारी ये प्लान का हिस्सा है, और हम चाहेंगे, हम चैनल पे आपको इनविटेशन देते हैं कि आप इसकी शोध के लिए, इसकी लेखन के लिए हमसे जुड़िए, और हम इस चीज को यथार्थ चरितार्थ करके रहेंगे कि हमारा जो सूफीज्म है, हमारा जो अध्यात्म है, हमारे जो ज्ञान की बात है, उस ज्ञान की बात को संजो के ऑडियो में, वीडियो में संजो के प्रोग्राम का रूप देते हुए हम उसको दर्शकों तक लाएंगे, और सिर्फ दर्शकों तक पेश ही नहीं करेंगे, हम इसको हमेशा के लिए संजोएंगे ताकि ये टेलीविजन पे, सोशल मीडिया पे, हर जगह ये चीज़ें प्रिजर्व हो जाए। तो हम इस मिशन में जुड़े हुए हैं। तो आज की बातचीत नवरत्न जी यहीं तक रहेगी, फिर मिलेंगे जब आपकी नई कोई किताब आ जाएगी, नया कोई लेखन फिर से आ जाएगा, तो फिर से मिलेंगे। तो आज की बातचीत यहीं तक, तो ये थी आज की बातचीत नवरत्न जी के साथ, फिर मिलेंगे हरियाणा की एक और हस्ती के साथ, तब तक नमस्कार।